मेरे पास आती थी आयशा जी, काम करने आती थी मेरे पास, लेकिन है बिल्कुल अपनी, जैसे मेरे घर पे इंडिया में आम ना आ पाए तो ऐसे यहाँ पे आयशा है, मैं नहीं चढ़ सकती। तो फाइनली गाइज, मायरा और रोजैन का 14 अगस्त का कपड़ा हम आज सुबह जब मैं सो के उठी, मायरा और रोजैन ने पूरे 5 घंटे मेरे दिमाग को इतना खाया कि मुझे लगा कि मेरा बीपी बहुत लो होने वाला है। इससे पहले मैं इन्हें ले चलूं मार्केट और इनकी पसंद के सामान दिला दूं। तो हम पहुंच गए हैं मार्केट और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मार्केट को सजाया हुआ है। और यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स जो थे उन्होंने तो रौनक बढ़ाई हुई थी रोड पे। तो इन स्टॉल्स का विजिट मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ ज़्यादातर लड़कियों के ही सामान थे, जिनमें बच्चियों की चूड़ियाँ, चिमटी, क्लिप सब कुछ था। तो रोजैन हर जगह अकड़ के खड़े हो रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादातर लड़कियों के सामान में उलझ जा रही थी। अच्छा, रौनक ही बाज़ार में लड़कियों के सामान से होती है। तो फिर बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीदी इनसे। अच्छा लगता है ना इस टाइम पे जो है, आप इनको सपोर्ट करें। बड़ी दुकानें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन ये स्टॉल वाले जो होते हैं ना बेचारे, कभी कभी आते हैं अपने स्टॉल्स को लेके। तो मेरा मानना है कि आप इनसे ख़रीदें, लेकिन इस टाइम में भी लोग जाते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड से सामान लेने के लिए। तो भाई थोड़ा सा गरीबों की भी आप लोग केयर करें, उनको भी सोचें। फिर हम अंदर आ गए, तो अंदर आए तो दुकानों पर देखा तो दुकान इन्हीं चीज़ों से सजी हुई थी। तो यहाँ सूट तो मुझे बाहर बिल्कुल भी मायरा के पसंद नहीं आए थे, वरना मैं ले लेती, कोई मसला नहीं मेरे लिए। मैं जहाँ से चीज़ अच्छी लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ, मुझे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़े ब्रांड से ही सामान लूँगी। तो मैंने मायरा की यहाँ से दुकान से ही सामान लिया अंदर आके। उसके बाद हम ऊपर चले गए क्योंकि हमें रोजैन का सामान लेना था। तो रोजैन ने काफ़ी देर से परेशान किया था कि आप सिर्फ मायरा का सामान लेंगी, मेरा सामान नहीं लेंगी। तो रोजैन के लिए एक शॉप मेरी फिक्स है, मैं उसी शॉप से सामान लेती हूँ। उसके पास अच्छे, बहुत ही आला क्वालिटी का सामान होता है। जो मैं बच्चों की यहाँ शॉपिंग जाती थी चेस पे लेने ना, तो उसी चेस जैसे, चेस से भी बेहतर प्रोडक्ट इसके पास होते हैं। तो अगर छोटी जगह से आपको अच्छा सामान मिल जा रहा है ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप बताते हुए उसे शर्म करो। मैंने काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी देखी है। तो ये शॉप जो है ना, यहाँ पर इसने इतने आला किस्म के कपड़े रखे हुए हैं बच्चों के, और ये छोटी छोटी जूतियाँ और खूसे थे तो मैं मायरा के साइज़ की ढूंढ रही थी। ये भी एक छोटे से बच्चे ने लगाया हुआ था, अंदर भी लगी थी पर मैं यहाँ आ गई थी। और फिर उसके बाद सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग खाने लगे पानी बताशा, क्योंकि रोजैन को बहुत ज़्यादा पसंद है गोल गप्पे। मैं पानी बताशा इंडियन बोल जाती हूँ इंडियन लैंग्वेज में। तो आज बहुत रश था, और यहाँ आज़ादी के लिए देखें ये लोग बांट रहे हैं आज़ादी के, उसमें ना क्या बांट रहे थे मैं अभी आपको बताती हूँ। फिलहाल तो आप अभी व्यू देखें, रोड पे कितना रश है चारों तरफ। और इन्होंने मुझे देखा वीडियो बनाते तो कहने लगे इन्हें तो ज़रूर दीजिए, ये वीडियो बना रही है। तो इन्हें ये बांट क्या रहे थे आज़ादी के, उसमें पान बांट रहे थे, ये लिक्विड में बना हुआ पान था तो वो आज़ादी में पान बांट रहे थे। तो मैंने कहा ये कराची है भाई, यहाँ गुटखा पान मसाले के सिवा आगे कोई बात ही नहीं करेगा। तो बस हम लोगों ने पानी बताशे खाए। रुबाब का घर कहाँ है, क्योंकि इनको कुछ दिन में रुबाब के घर आना जाना है। ये आगे अपना फ्लैट ले रही है। आयशा पहले मेरे पास आती थी, आयशा जी, काम करने आती थी मेरे पास, लेकिन है बिल्कुल अपनी, जैसे मेरे घर पे इंडिया में आम ना आ पाए तो ऐसे यहाँ पे आयशा है। मैं नहीं चढ़ सकती, मैं बहुत चढ़ के थक जाती हूँ, मेरे हाथ पैर दिल की धड़कन मुँह में आ रही है। तो भाई हम रुबाब के घर पहुँच गए। हेलो मरियम, अम्मा ने क्या जला दिया आज तुम्हारी, अम्मा ने क्या जला दिया। वालेकुम सलाम। अच्छा मरियम, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, 14 अगस्त मुबारक हो तुम्हारे, तुम्हें तुम्हारी आज़ादी। मलाइम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कितने प्यारे दिख रहे ना रूबा, हाथों में पहनने वाले। अब वो कहाँ गई छोटू, लाओ निकालो ना छोटू का भी। ये देखो मायरा क्यों छोटू के, मुझे कड़े बहुत रेयर से लगे है ना।
मलाहिम, ओ मलाहिम ने तोड़ दिया चट से उसको कसने के चक्कर में। तोड़ो नहीं, वो वाला नहीं है, स्टील का थोड़ी नहीं था ये। रोजैन अपना वाला दे दो मलाइम को, मैं तुम्हें अभी जाते वक्त दिलाऊंगी। नहीं जुड़ेगा अबरू बापू, पूछ लो और इसे ऐसे मत करो, खींचो नहीं वो सही हो जाएगा। अभी तुम जिस हाथ से खाना खाना है ना, तुम चम्मच से उससे खा लेना रोटी सालन। बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है बाहर। तो भाई हम लोग घमंड करते कैसे आवाजी वहां पे आती है ना, आ रही है बहुत ठंडी सी हवा। बढ़िया मां, हम 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गए, जो बस नीचे गए। हां तुम लोग बहुत जल्दी वापस आए, हमारा टावर इतना पास। गाइस ये मेरे कपड़े रोज आते हैं, अभी हम दिखाएंगे खाना खाने के बाद, ठीक है। मायरा ने ना ईद ही समझ लो, यहाँ पे 14 अगस्त तो ईद की तरह मनाया जा रहा है, तो मायरा के अपने कपड़े लेके आई है। हाँ पोस्ट लो टी शर्ट, मायरा अपने कपड़े लेके ही घूम रही है, कोई इनके कपड़े ले ना ले कहीं, मायरा के कपड़े कोई ले ना लेना। मायरा कौन लेगा आपके कपड़े, कोई नहीं लेगा, छोटे हैं ये। तुम्हें क्या हुआ किसे, मरियम और बाबा का लाइट जाने के बाद कैसा लग रहा है, खूबसूरत नज़ारा। कभी कभी लाइट रहते रहते भी हमारी जाने आजीज हो जाती है। मायरा लाइट के बिना अच्छा तो लग रहा है, और क्या, लाइट के बिना ही अच्छा लग रहा है इस टाइम तो। आ गया, आ जाए तो फिर निकली, लाइट ही चली गई। चलो मायरा अंदर चलो कार में, बस बंद हो जाएगा बेटा, घर पहुंचना है जल्दी, बस बैठ जाओ ऐसे ही अंदर। अल्लाह अकबर, अरे गाड़ी में बैठ तो जाओ पहले, थोड़ा बटन प्रेस करो ओपन हो जाएगा वो। तो फाइनली गाइस मायरा और रोजैन का 14 अगस्त का कपड़ा हम ले आए हैं, मायरा फिटर पी रही है। तो मायरा ने कहा तो मैंने बहुत प्यारा सा ट्रेडिशनल पाकिस्तानी ड्रेस ले लिया, और रोजैन का मैंने बोला रोजैन को कि एक ही दिन तो पहननी होती है, तुम सिर्फ टी शर्ट ले लो, बाकी जो तुम्हें पैसे मिले हुए हैं कपड़े खरीदने के उसके तुम कोई अच्छे अपने कपड़े खरीद लो। तो रोजैन मेरी बात समझ गई क्योंकि वो बड़े हैं, मायरा नहीं समझ सकती, मायरा छोटी है, तो मायरा को तो सब चाहिए था, वो ग्रीन बैंड भी, तो चिमटियाँ भी, तो हार भी, तो सब कुछ चाहिए था मायरा को, है ना मायरा। तो हम लोग लेके आए, मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ, दिखाती हूँ मायरा के कपड़ों को। फिलहाल तो मैं रोजैन का दिखा रही हूँ, रोजैन के लिए मैंने ना सिर्फ चांद तारे वाली टी शर्ट एक ले ली थी, मुझे ज़्यादा लिखा छपा नहीं अच्छा लगता, आई लव पाकिस्तान ये वो ये। ये मैंने रोजैन के लिए ली है टी शर्ट जो मैं दिखा रही हूँ ना, और रोजैन के लिए मैंने ना, रोजैन को पैसे ज़्यादा मिले थे पापा से, फिर मैंने रोजैन के लिए पोलो की एक टी शर्ट ले ली है प्यारी सी वाइट कलर में, और एक इनके लिए ब्रांडेड मैंने जीन्स भी ले ली उसी के ऊपर। मैंने कहा इसी जीन्स पे रोजैन तुम ना ये टी शर्ट्स चांद तारे वाली बस पहन लेना, और बाकी जो है ना बैच यहाँ पे लगा लेना जो पाकिस्तान का होता है। और एक वो लिया था रोजैन ने, क्या कहते हैं, बैंड था हाथ में पहनने वाला, तो बस ये रोजैन का, लड़कों का इतना होता ही नहीं, लड़कियों का इतना सारा सामान होता है कि हद है। मायरा का तो बहुत सामान होता है, मायरा के मैं आपको दिखाती हूँ, मायरा की तो सबसे पहले आप ये देख लें कुर्ती कितनी प्यारी मिली है, ऊपर की कोटी, ये ऊपर की कोटी है 14 अगस्त के दिन मायरा पहनेगी पाकिस्तान का हरा कलर, और इसके नीचे पहनेगी ये वाइट कुर्ता, वाइट कुर्ते पे रहेगी ये कोटी, और ये देखें आप वाइट कुर्ते पे ये कोटी,
और उसके ऊपर मायरा को ये गिफ्ट मिला है दुपट्टा फ्री में इसके साथ, और नीचे मैंने मायरा का ये चूड़ीदार लिया है। ये देखिए मायरा का ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा, और उसके ऊपर मायरा लगाएगी ये, मायरा मैं लगा लूँ जबरदस्त। तो मायरा का ये है उसके ऊपर, और क्या था मायरा और क्या था आप? और मायरा का चश्मा तो आप लोगों ने देखा ही था, ये चश्मा मायरा लगाएगी, मायरा हिल रहा। और ये मायरा की कितनी प्यारी सी ग्रीन वाइट चूड़िया, और ये पोनी सब पाकिस्तानी। और जो है क्या कहते हैं, ये मरियम के लिए लिया था मैंने, मायरा दिखाना था दिखाना, ये मरियम के लिए लिया था मैंने ग्रीन वाइट में, लेकिन मरियम को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा उसका हाथ पतला थोड़ा सा तो मोटा होगा, लेकिन उसके हाथ इतने पतले थे, फिर मैंने पहन के देखा तो ये मुझे भी आ रहे थे। अब मैं मरियम को दूसरा, यहाँ आज मरियम लोग आ जाएंगे, कल यहाँ पे फंक्शन है ना तो यहीं पे रहेंगे, तो फिर मैं मरियम को ना यहीं ले जाऊंगी पीएनटी में, हमारी जो सोसाइटी से लगी दूसरी सोसाइटी है ना उसमें भी बहुत बड़ी शॉप लगाई हुई है उन्होंने, तो वहां पे उसे जो पसंद आएगा मैं वो दिला दूंगी उसको। फिलहाल ये उसके बड़े हो गए थे हाथों में। तो गाइस बच्चों ने इतना शोर किया हुआ था, इतना शोर किया हुआ था मानो 14 अगस्त नहीं है ईद आई हुई है। जब मैं मार्केट में गई, मार्केट में मुझे बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा था जैसे ईद आई हुई है, इसी तरीके से मार्केट को सजाया हुआ है, और ना लोग इतना सामान ले रहे थे। आपको पता हूँ मैं सूट तो मायरा का मैंने ले लिया, मैंने कहा फालतू एक दिन पहनना होता है, एक दिन के बाद पहना नहीं जाता। पिछली बार का भी इनका सूट था तो वो भी एक ही दिन इन लोगों ने पहना, उसके बाद पहना नहीं। इनके साइज की ना ऐसे खूसे भी बने हुए थे ग्रीन वाइट, बड़े प्यारे दिख रहे थे वो, लेकिन मायरा का साइज नहीं मिला उनमें, छोटे छोटे बच्चों के थे, बहुत पैदा हुए बच्चों तक के खूसे मिल रहे थे। तो मायरा का मैंने तलाश किया, इसका साइज नहीं मिला, फिलहाल तो हमने ये ले लिया है। अब जो है ना इन लोगों को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि कल जैसे ईद हो, कल 14 अगस्त।